गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी अराउंड 6:30 बज रहा है सुबह का, तो ये तो फूल काल का है इसीलिए इतना खिल गया है। अब आज का ये है एंड ये है, ये दोनों आज खिलने वाले हैं लेकिन अब तक नहीं खिले हैं। 10 बजे अराउंड ही खिलेंगे, अभी तो धूप नहीं निकला है। तो मैं सुबह सुबह इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा काम है। और हाँ, एक बात फ्रेंड्स, आप लोग मुझे हमेशा बोलते हैं आफ्टर ईच ऑफ माई शॉपिंग वीडियोज़ की मेरे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी नहीं है क्या, और मैं गवर्नमेंट नर्सरी से क्यों शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट नर्सरी तो है एंड मेरे घर के काफ़ी पास है, अराउंड 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में ही है गवर्नमेंट नर्सरी। लेकिन पिछले साल तक तो मुझे पसंद नहीं था उतना, क्योंकि बहुत इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है एंड वहाँ पर जो वाइड रेंज के प्लांट्स उतने नहीं मिलते थे। जो भी ड्रेसिना वगैरह ज़्यादा थे वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो इस बार हाँ, 1-1.5 साल से मैं गई नहीं हूँ, तो आज मैं जाऊँगी, आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी एंड मैं खुद भी देखूँगी क्या है, कुछ लाने के लिए है कि नहीं। नॉर्मली गवर्नमेंट नर्सरीज में रेट थोड़े कम होते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुतों का वीडियो में देखती हूँ आप लोगों के वहाँ जितना कम है गवर्नमेंट नर्सरी में रेट, हम लोगों का फ्रेंड्स उतना कम तो है नहीं। तो फिर भी मैं देखूँगी क्या हुआ है, 1-1.5 साल में क्या चेंज हुआ है, और आप लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह इसलिए अभी मैं तो हमेशा सुबह गार्डन का काम करती हूँ। इस एक्चुअली हम लोग का अभी 15,000 सब्सक्राइबर्स का एक सुंदर सा फैमिली बन गया है। तो मेरे साथ जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है मेरे बारे में, लेकिन जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं जो अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मैंने सोचा कि आप लोग हमेशा ही मेरा आवाज़ सुनते रहते हैं लेकिन मेरे बारे में या मेरे गार्डन के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत ही बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती, मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, यहाँ पर मेरा घर एंड वर्क दोनों ही है। सो मेरा घर में मेरा ग्राउंड फ्लोर में एंड मेरे बैक साइड में, ग्राउंड फ्लोर इन द सेंस कि फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड में गार्डन है। एंड देन मेरे टेरेस पे मेरे नेट वगैरह जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर मेरे फोलियज प्लांट्स स्पेशली मेरे एरोइड्स एक्सेट्रा उधर है। तो मैं अपने रेयर प्लांट्स उधर रखती हूँ। नीचे मेरा फोलियज प्लांट्स नीचे भी एक सेक्शन है, अगर मेरे पुराने वीडियो देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट एंड फोलियज दोनों ही नीचे है एंड ऊपर में मेरे मैक्सिमम एरोइड्स हैं। और मेरा एक काफ़ी अच्छा सा होया कलेक्शन है जिसके ऊपर एक वीडियो भी है, तो होया कलेक्शन मेरा ऊपर रहता है। तो एंड देन मेरा फर्स्ट फ्लोर बेल्कोनी में एक गार्डन है, फिर यहाँ पर बरंदा गार्डन है जिसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी कल वीडियो बनाया। देन और मेरा घर के अंदर मेरा लिविंग रूम में काफ़ी प्लांट्स हैं, प्लांट स्टैंड में, एंड मेरा एक रूम है जिसके ऊपर भी एक वीडियो है प्लांट रूम टूर बोल के, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मेरे सेकेंड फ्लोर में है, वहाँ एक रूम पर्टिकुलर है जहाँ पर बहुत अच्छा लाइट आता रहता है, हाउस प्लांट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, तो वहाँ पर भी मेरे प्लान्स है। तो मेरे गार्डन 4-5 जगह है इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगता है, ना अगर मैं ओवरव्यू बनाऊँ तो मुझे 4-5 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैं मंडे से फ्राइडे तक बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सकती हूँ, ऐसे ही अराउंड 6 बजे से 8-8:30 तक मैं टाइम देती हूँ गार्डन पे। अभी तो हम लोग का छुट्टी चल रहा है तो आज मैं ऐसे नर्सरी वगैरह जा सकती हूँ, अदरवाइज सिंस आई वर्क बहुत टाइम तो नहीं मिलता है। एंड फ्राइडे सैटरडे को मैं जम से गार्डनिंग करती हूँ, तभी बहुत सारा वीडियो भी आपका आएगा रिगार्डिंग प्लांट्स एंड गार्डनिंग। एंड देन मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फोलियज दोनों से ही प्यार है। फोलियज मुझे बीच में 1-2 साल मैंने ज़्यादा फोलियज कलेक्ट किया था, अभी मुझे फिर से फ्लावरिंग प्लांट्स का शौक चढ़ा है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़ा कलेक्ट करूँगी। और आपको जैसे पता है कि मुझे एवरी ईयर मैं विंटर एंड समर में एक प्लान वाइज करती हूँ कि इस बार मुझे ये करना है, इस बार वो करना है, तो इस बार मैंने विंटर में एक एक दो प्लानिंग करके रखा है रिगार्डिंग माय समर गार्डन, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियोस कुछ तो जनरल टॉपिक पे होते हैं, वीकली एक बार एक आंसरिंग गार्डन क्वेश्चन होता है, उसमें मैंने अगर आपका कमेंट वाला सेक्शन का रिप्लाई मैं नहीं दे पाई तो आपको वो वगैरह वो सब रिप्लाई वही जो वीकली आंसरिंग योर गार्डन क्वेश्चन उसमें अगर मिल जाएगा आपको। एंड देन मैं आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ, जनरल वीडियो भी बनाती हूँ, कभी कभी सिर्फ अपना गार्डन ही दिखाती हूँ जब सुबह उठ के मुझे अच्छा लगता है अपना प्लांट्स वगैरह देख के, जैसे अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ
शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद सुबह उठ के ना अच्छा अच्छा गार्डनिंग वीडियो देखना पसंद है, जब स्पेशली जब कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ। और हाँ, मेरे घर में मैं खुद ही वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, और मैं बहुत प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टू स्पीक दैट और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एकदम टाइम नहीं होता है कि वीडियो बनाने में, फिर एडिट वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है नॉर्मली, तो मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप है ना घर वर्क देन इतने सारे प्लान्स एंड देन पेट्स नो कैट्स एक्सेट्रा है, तो टाइम तो कम मिलता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को मैं अपना फैमिली जैसा सोचती हूँ, तो इसलिए बहुत इनफॉर्मल सा बात भी करती हूँ एंड इनफॉर्मल सा वीडियो भी बनाती हूँ, तो आपको तो एकदम टेक्निकली परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ घर जैसा सोच के, अपना ही घर सोच के ही वीडियो देखिएगा। तो मेरे घर में मैं एंड मेरे हस्बैंड हम दोनों रहते हैं, तीसरा कोई नहीं है, मेरे कैट्स हैं, तो इसलिए वीडियो शूट करने के लिए और कोई नहीं है। तो मैं कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक दिखाना चाहती हूँ, लेकिन कैमरा पकड़ के कुछ कुछ दिखाना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मैं एक्चुअली जितना हो सके ये चैनल को नॉर्मल रखना चाहती हूँ, जैसे आप गार्डनिंग अगर करते हैं आपका गार्डन जैसा दिखेगा, यू नो विदाउट एनी एडिटिंग और विदाउट सिर्फ अच्छा अच्छा चीज़ें दिखाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मैं खुद ये गार्डनिंग जर्नी है मेरा, तो इसमें मुझे जो खुशी या प्रॉब्लम जो भी मिलता है, मैं आई वांट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल, ना जो भी रियलिटी है वही दिखाना चाहती हूँ, तो दैट्स वाई मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ उतना। आज अगर आपको कोई पॉट टूटा हुआ दिखे तो वैसे ही दिखेगा, वो हटा के मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। अगर कुछ यू नो प्लान पॉट में वीड है तो या येलो लीफ है, मैं उसका हटा के वीडियो नहीं बनाती हूँ, वैसा है वैसा ही सबके गार्डन में ही होता है, तो मेरे गार्डन में भी है वैसा टाइप का है। एंड जो भी गार्डन में मैं चेंजेस करती हूँ या जो भी होता है, मैं आप लोगों के साथ वो हमेशा शेयर करती हूँ। एंड देन और क्या बोलूँगी, हाँ एंड फ्रेंड्स, आप लोग जो पूछते हैं कि मैं शॉपिंग वगैरह कहाँ से करती हूँ, तो मैं स्पेशली अपने गुवाहाटी के फ्रेंड्स को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई पर्टिकुलर एक नर्सरी नहीं होता है इस, एंड कभी कभी क्या होता है मैं चार पांच नर्सरी एक साथ जो होता है उसमें जाती हूँ, कहीं से एक प्लांट लिया कहीं से एक प्लांट लिया, तो इसीलिए मैं जब मुझे फील होता है कि नर्सरी का नाम देना चाहिए तब मैं देती हूँ, जब मुझे फील होता है कि नहीं नर्सरी का नाम या डिटेल्स देने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तब मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि जब यू नो मल्टीपल नर्सरीज इन्वॉल्व होते हैं तो। एंड तो इतना ही मैं बोलना चाह रही थी कि मैं गुवाहाटी से हूँ, मेरा नाम भारती है, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं इस घर छोटे से घर में, हम लोग अपने पेट्स हैं कैट्स उन लोगों के साथ रहते हैं, और गार्डनिंग इज़ माई हॉबी ऑल्दो टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, तो वही है छोटा सा हम लोग का गार्डन, इसी में हम लोग खुश रहते हैं। एंड और मैं अपने कैट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि हम लोग एक सुंदर फैमिली है, एंड इस फैमिली में ये देखिए पैची भी आ गया ज्वाइन करने के लिए, इस फैमिली में हम लोग यू नो सब मिलजुल के अच्छे से रहेंगे। सो आई रियली रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर यू नो सपोर्टिंग मी, एंड हम लोग अभी 15,000 हो गए हैं। एंड फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग कभी कभी जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऑलरेडी वीडियो में मैं देती हूँ, लेकिन वही एंड तक नहीं देखने से कभी कभी वो छूट जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आज कब मैं नर्सरी जाती हूँ तो उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं अभी वेट कर रही हूँ ये गुड़हल वगैरह खिले, क्योंकि ये भी काल का खिला हुआ है, देखिए ये आज खिलने वाला है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा थोड़ा, ये देखिए धूप नहीं निकला है अभी, 6:30 बज रहा है, तो मेरा गार्डन ऐसा ही लग रहा है अभी सुबह, तो मैं देखती हूँ जाती हूँ उसके बाद क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस मॉर्निंग। आप लोग भी चाय कॉफ़ी पीजिए एंड अपने गार्डन को एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।